हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे लॉगरिदम और लॉगरिदम की एप्लीकेशंस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी जैसे ये नंबर छोटे हैं तो हम इनको इजीली एक ग्राफ पे दिखा सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन अगर यही नंबर बहुत ज़्यादा इन्हीं नंबरों में अगर बहुत ज़्यादा अंतर हो जाए, जैसे कि एक नंबर है हमारे पास 10 एक नंबर है हमारे पास 20 और एक नंबर है हमारे पास और नंबर है हमारे पास 100, हजार, 1 लाख। तो अगर हम इन सारे नंबरों को एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी, जैसे कि 10, 20। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस अभी पे हम ये सारे डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइन जो है यहाँ पे, अगर ये 10 को डिनोट कर रही है यहाँ पे और यहाँ पे 10 को डिनोट कर रही है, यहाँ पे 20 को डिनोट कर रही है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये 1 लाख की जो लाइन है ये बहुत स्क्रीन के बाहर चली जाएगी, बाहर एक्सटेंड करने की कोशिश करेगी। तो इस केस में हमारे पास क्या समाधान है, हमारे पास समाधान क्या है कि हम लॉग नंबर्स का यूज़ करें। फ्रेंड्स, देखिए कि हम लोग दस, सौ, 1000, 10,000 और 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 10^1, 10^2, 10^3, 10^4 और इसको 10^5। फ्रेंड्स, अगर हम इन नंबरों को देखें इस नंबर को तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, तो इनमें
एक का ही अंतर है, तो इसे हम तो हम इन नंबरों को ऐसे डोनेट कर डिनोट कर सकते हैं, 10^0, 1, 2, 3, 10^4। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे ये 1 है और ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, और ऐसे ही ये 10,000 है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे इस वाले ग्राफ में दिख रहा है कि हमने 1 से 10 और 10 से 100 को एक ही ग्राफ में अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। जैसे कि ये वाली लाइन दिखा रही है 2, और ये वाली 3, और ये 4, और ये 5, और ये 6, और ये 7, और ये 8, 9, ये बड़ी लाइन दिखाती है 10, ये वाली जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, और ये बड़ी लाइन दिखाती है 100 को। फ्रेंड्स, आप एक बात और नोटिस कीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, वो ये कि ये वाला ग्राफ जो है वो सेमी लोगेरिथम कहलाता है। सेमी लोगेरिथमिक स्केल ग्राफ कहलाता है। इसमें सिर्फ आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे ही ये ऐसा दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे लीनियर है। जैसे कि हम देखें तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5 बना हुआ है। और यहाँ पे 1 बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसे सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ कहते हैं, और इसमें हमने 1 से लेकर 100 तक की संख्या को बड़े अच्छे से ग्राफ पे दिखा दिया है। यही है लॉगरिदमिक ग्राफ की एप्लीकेशन, लॉगरिदम नंबर की एप्लीकेशन। अभी इसमें हम देख रहे हैं ये 1 को हम 1 = 10^0 एंड 10^1। फ्रेंड्स, आप इसमें एक बात जो मैं आपको अभी बताना भूल गया हूँ वो ये कि जो भी अभी अभी मैं आपको बता ही रहा था वो ये कि इसमें आप देखेंगे कि 1 और 2 के बीच में ज़्यादा अंतर है, और 2 और 3 के बीच में कम अंतर है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 10^0 1 कहलाती है, और 10^1 जो है वो 10 कहलाती है, और उसके बाद 10^2 जो है वो 100 कहलाती है। तो 1 और 2 के बीच में ये जो अंतर है, ये 10^0 और 10^1 के बीच में जो अंतर है उसमें हमने 10 नंबर और 10^2 जो है हंड्रेड कहलाती है। तो हमने यहाँ पे 0 से 1 के बीच में 10 नंबर दिखाए, और इस 1 से 2 के बीच में हमने 90 नंबर दिखाए, इसमें 90 नंबर होंगे, तो इसलिए ये जो है यहाँ पे डिस्टेंस जो है घटता चला जाएगा जैसे जैसे हम बड़ा नंबर लिखेंगे। तो 10 और 20 के बीच में ज़्यादा अंतर आएगा, जो ये यहाँ पे 20 है,
और 20 और 30 के बीच में इस ग्राफ पे एक्स एक्सिस में कम अंतर आएगा, कम दूरी पे होगा, और 30 और 40 में और ज़्यादा नज़दीकी होगी। ऐसे करते करते 90 और 100 के बीच में बहुत ही कम अंतर, बहुत ही कम दूरी होगी। फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ओरिजिन जो है वो 10 पावर 2 शो करती है, और ये बीच में ये 10 पावर 4 शो करती है, और ये 10 पावर 6 शो करती है। तो इसमें यहाँ पे 100 है, ये 100 है, और ये 10,000 है, ये 100 है, और ये 10,000 है, और ये 10,00,000 है। तो अगर हमें 1,00,000 दिखाना है तो 1,00,000 यहाँ पे आएगा कहीं पे, यहाँ पे। और अगर हमें 9,00,000 दिखाना है तो वो 10,00,000 के बिल्कुल पास में आएगा, ज़्यादा दूरी नहीं रहेगी। 10,000 और 1,00,000 में ज़्यादा दूरी रहेगी, और 9,00,000 और 9,00,000 और 10,00,000 के बीच में बहुत कम दूरी रहेगी। फ्रेंड्स ऐसे ही फ्रेंड्स 100 और 1,000 के बीच में ज़्यादा दूरी रहेगी, और 9,000 और 10,000 के बीच में कम दूरी रहेगी। फ्रेंड्स ये लाइन यहाँ पे 10,000 को शो करती है, ये लाइन, और ये लाइन जैसा कि मैंने बताया 9,000 को बताती है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और आपके पढ़ाई में बहुत मददगार साबित होऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।